नगर निगम के कर्मचारियों और पार्षदों के बीच आए दिन वाद विवाद की घटना होती रहती है। वाद विवाद के बाद अक्सर कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर चले जाते हैं, जिसका खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ता है। नगर निगम में प्रतिदिन हजारों नागरिक विभिन्न प्रकार के रोजमर्रा के कार्यों के संबंध में आते हैं, लेकिन हड़ताल होने से नागरिकों को अपने कार्यों के लिए कई बार चक्कर लगाना पड़ता है। नोडल अधिकारी और पार्षद के बीच हुए विवाद के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के दौरान शनिवार को कई नागरिक आए और निगम कार्यालय की खिड़कियां और ताले बंद होने की वजह से निराश होकर वापस लौट गए। इस दौरान नगर निगम परिसर में विभिन्न विभागों में सन्नाटा पसरा रहा। जनता द्वारा दिए गए शुल्क और कर से ही नगर निगम का राजस्व बढ़ता है, लेकिन पार्षद और कर्मचारियों के बीच वाद विवाद होने से नगर निगम में राजस्व की कमी होती है। कार्यों के वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण नागरिक परेशान रहते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए परेशान नागरिकों ने और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने कहा, मोहम्मद सलमान। ये कहाँ पर आए और क्या बनाए? आज बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, तो पता चला क्या नाम हड़ताल है यहाँ पे दो दिन से, और ये दिक्कत हो रहा है, डेली आना जाना पड़ रहा है। प्रॉब्लम हो रहा है कि डेली आ डेली जा रहे हैं यहाँ पे, पता चला हड़ताल है। अब देखा जाए हड़ताल खत्म हो गया तो देखा जाए कब हो रहा है काम। कहाँ से आए? हम आए यहाँ अहमदनगर से। दीपक शर्मा। दीपक कहाँ से आए आप? यहीं बशारतपुर श्री रामनगर कॉलोनी से। क्या यहाँ बन नहीं रहा है, मतलब बंद है? क्या बनवाना है? मृत्यु प्रमाण पत्र। क्या पता चला अभी? सुन रहे हैं हड़ताल है तो बंद है। तो समस्या इसमें है आप लोगों को? अब बनवाएंगे नहीं तो आगे का काम नहीं होना है। आगे कोई काम करवाना है तो वो चाहिए ही चाहिए। क्या है आपका? त्रिपुरारी पांडे। पांडे जी आप कहाँ से आए और क्या बनवाने आए हैं? हम भैया गोरखपुर के रहने वाले उत्तरी जटेपुर से आए हुए हैं। कई बार आ रहे हैं यहाँ पे, पता चल रहा है कि हमारा काम ये लोग नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सभासद से जो है कुछ इन लोग का विवाद हो गया है यहाँ के कर्मचारियों का, तब इन लोग की आपसी जो है, मतलब जो भी इन लोग का कहा सुनी हो मुझे तो नहीं पता, लेकिन इसमें हम आम पब्लिक जो है परेशान हो रहे हैं, आ रहे हैं धक्का खा रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। मैं तो कुछ नहीं आता, तो बस यही है कि अपना काम छोड़ के आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ऑफिस से बोल के आते हैं काम करने आ रहे हैं, छुट्टी दे के आ रहे हैं, परेशान हम लोग हो रहे हैं। राजीव श्रीवास्तव। हम आए हैं हाउस टैक्स जमा करने, यहाँ पता चला कि हड़ताल है और जमा नहीं हो रहा है। हम लोग दूर दूर से आते हैं, दौड़ के परेशान होते हैं, वापस जा रहे हैं, ये काफ़ी परेशानी हो रही है। समय मिल नहीं पाता है, जब समय निकाल के किसी तरह जमा करने आए तो यहाँ हड़ताल है। निश्चित रूप से कर्मचारियों को भी इस बात का एहसास है और इन्होंने स्वीकार भी किया है कि इनके इस हड़ताल से सर्वाधिक आम पब्लिक ही प्रभावित होती है। जो ज़रूरतमंद आता है उसके कार्य में विलंब होता है, इसीलिए हम लोगों ने तुरंत कर्मचारियों से वार्ता करके इस हड़ताल को तुरंत समाप्त कराया है, ताकि जो लोग नगर निगम में आ रहे हैं, जो हमारा कार्य रुका हुआ है, अब इसको जो है अगले 24 घंटों तक लगातार दिन रात कार्य करके जो क्षति हुई है उसको पूरा किया जाएगा।